नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में मैं आपको फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस पेपर में आपके पूछे भी गए हैं, और मैं एक बात का पक्का दावा कर रहा हूँ आपको कि आज मैं जो आपको 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इन 10 क्वेश्चंस में से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ये मिनिमम टू टू क्वेश्चंस हैं, और मोर देन 2 क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM का अगर आपको कंप्लीट स्टडी करना है तो मैंने अपने चैनल पे MHQ और MHM करके बहुत सारे सेशन डाल रखे हैं। अगर समय मिले तो फटाफट से आप उनको भी देख लीजिएगा, ताकि कहीं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाली। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन में फ्रेज एनालिसिस के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। अब देखिए, अब इसमें फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM, मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, एडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर। इस एम का मतलब है मॉडिफायर, इस एम का मतलब है मॉडिफायर, ये है प्री मॉडिफायर, ये है पोस्ट मॉडिफायर, और ये आपका एच हुआ एडवर्ड। और क्यू क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल ग्रामर में MHQ हुआ करता था, क्यू मीन्स क्वालिफायर, ठीक है। अभी मॉडर्न ग्रामर में इसको क्यू को रिप्लेस कर दिया गया है एम से, प्री मॉडिफायर, एडवर्ड और पोस्ट मॉडिफायर। तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आरपीसी क्वेश्चन जो है आपके, मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ आपके 8th, 9th और 10th, ये 3 क्वेश्चन मैंने अपने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। बाकी 7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर्स में बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट वन है वर्ब फ्रेज ऑलवेज एक्ट्स एज, माने एक सेंटेंस में और क्लोज में वर्ब फ्रेज जो है वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करती है। अब यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछना चाह रहा है वर्ब फ्रेज का फंक्शन, माने वर्ब फ्रेज एक क्लोज और सेंटेंस में किस प्रकार से फंक्शन करती है। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्ब फ्रेज किसके रूप में फंक्शन करेगी। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके पास। फर्स्ट वन है ऑक्सिलरी के रूप में। अब जैसे कि सबको पता है ऑक्सिलरी मीन्स क्या है, ऑक्सिलरी मीन्स है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या वर्ब फ्रेज में ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं। फिर आगे देखें आप इसमें प्रेडिकेटर। अब यहां देखें, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने मेरे प्रीवियस सेशन में आपको बेसिक सेंटेंस पैटर्न में अच्छे से क्लियर कर दिया था प्रेडिकेटर मींस क्या होता है। प्रेडिकेटर मींस है आपके HV प्लस MV, माने HV और MV दोनों के जो ग्रुप को फ्रेज लेवल पे कहा जाएगा वर्ब फ्रेज। और ये हमारा आंसर हुआ, ए वर्ब फ्रेज ऑलवेज एक्ट्स एज प्रेडिकेटर इन अ क्लोज और सेंटेंस। और फिर एक थर्ड ऑप्शन देख लें आप, मॉडिफायर। वर्ब फ्रेज क्या मॉडिफायर का फंक्शन करती है, नो नेवर। और वर्ब फ्रेज कभी कंप्लीमेंट का फंक्शन करती है, नो नेवर। और ऑक्सिलरी में सिर्फ एच वी ही आता है, इसमें मेन वर्ब नहीं आता, और मैंने आपके प्रीवियस सेशन में क्लियर कर दिया है प्रेडिकेटर मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एच वी एंड एम वी, और इसी एच वी और एम वी को प्रेडिकेटर और आप फ्रेज जो बोलोगे वर्ब फ्रेज। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले क्लियर करवा चुका था, बिल्कुल क्लियर है, यानी सभी जो आपके ग्रामेटिकल पोर्शन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है। जैसे MHM को आप देख लें फ्रेज एनालिसिस में, अब आपका प्रेडिकेटर है बेसिक सेंटेंस पैटर्न में, आपके SPOC में मैं आपको डिस्कस कर चुका था। यानी किसी भी सेशन की आप स्टडी करें तो बड़े ध्यान से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि सभी जो आपके टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उसको आप अच्छे से देख लें। अब नेक्स्ट वन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्लोज अजेक्टिव फ्रेज फंक्शंस एज, यानी ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लोज में अजेक्टिव फ्रेज जो है वो किसका फंक्शन करता है। अब इसमें आप बिल्कुल अच्छे से देख लें, मैंने आपको मेरे प्रीवियस सेशन में ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया था। मैंने जो आपको SPOCA का जो सेशन रखा था उसमें भी मैंने ये बात बड़ी ध्यान से क्लियर कर दी थी आपको कि अजेक्टिव फ्रेज किसका फंक्शन करता है। अब जैसे कि कुछ अपने हमारे साथियों के कमेंट भी थे कि एक आपका जो हमारा टेस्ट सेशन हो सकता है क्या, तो इसे आप एक टेस्ट सेशन की तरह ही लें। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया अजेक्टिव फ्रेज, तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर दिया था अजेक्टिव फ्रेज किसका फंक्शन करता है। अजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस में फंक्शन करता है आपके C4 कंप्लीमेंट का। और यदि आपने प्रीवियस सेशन को ध्यान से पढ़ा होता तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जो भी सेशन साथियों आप स्टडी करें उनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि
ताकि किसी प्रकार की कोई गलती हमसे नहीं हो। तो इसमें देखिए यहाँ पे अजेक्टिव फ्रेज किसका फंक्शन करेगा, अब मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है, अजेक्टिव फ्रेज फंक्शन करता है सी फॉर ए कम्प्लीमेंट का। अब एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन दिए थे कम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। अब यदि आपको अच्छे से पता है कि अजेक्टिव फ्रेज किसका फंक्शन करता है तो आप अच्छे से क्लियर, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, अजेक्टिव फ्रेज फ्रेज विल बी फंक्शन करेगा सी फॉर ए कम्प्लीमेंट का। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सी एंड डी तीनों ही यहाँ हुए इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एग्जाम में आरपीसी के द्वारा, द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज, माने नाउन फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, यदि थोड़ी सी भी आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की है तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज, सभी को पता है मॉडिफायर एडवर्ड एंड ए मॉडिफायर, वहां आप देखें अच्छे से इस मॉडिफायर इसका फुल फॉर्म होगा प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर एंड ए एडवर्ड। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ हुआ करेक्ट है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए नाउन फ्रेज इज ए एम एच एम, ठीक है। अब इसमें सेकेंड वन एम एम एच नो, एच एच एम नो, एंड थर्ड है आपका एच एच एम, बिल्कुल ये भी हुआ आपका रॉन्ग। तो ये तीनों ऑप्शन आपके हुए बी सी ओ डी इनकरेक्ट है, पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ एम एच एम, इट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, आप इसमें देखें विच इज नॉट ट्रू अबाउट एडवर्बियल्स, माने आपके पेपर में एडवर्बियल्स से रिलेटेड फोर स्टेटमेंट दे रखे थे और उसमें पूछा था एडवर्बियल्स से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। एग्जाम में अच्छे से आप देखने एक चीज और, एग्जामिनर कई बार हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नोट जो है वो भी अच्छे से क्वेश्चन में डाल देता है, तो हम कई बार क्या थोड़ी जल्दीबाजी में नोट को जो है वो ढंग से देख नहीं पाते और आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाता है हमारा, जिसका कि मैं बाहर जाने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर मूव करने पे पता चलता है कि मैंने यहाँ नोट को अच्छे से पॉइंट आउट नहीं किया। तो ये बात अच्छे से देखें, तसल्ली से क्वेश्चन को रीड करना उसी के बाद आंसर पे जाना। तो विच इज नॉट ट्रू अबाउट एडवर्बियल्स, एडवर्बियल के लिए कौन सा इसमें जो है इनकरेक्ट और फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप इसमें अच्छे से देख लें। और ये भी मैंने आपको एसक्यूसी में एडवर्बियल जो हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने इसकी भी जानकारी आपको ओरली दी थी, अगर ध्यान से पढ़ाओ तो। इसमें आंसर देखिए यहाँ पे एडवर्ब्स आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इनटू क्लॉज स्ट्रक्चर, इसका मतलब है एडवर्ब्स जो है वो क्लोजली इंटीग्रेटेड माने बिल्कुल अच्छे से मिले हुए रहते हैं किसमें, एक क्लॉज स्ट्रक्चर में। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एडवर्ब्स जो है वो किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर में क्लोजली इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, बल्कि एडवर्ब्स क्या होते हैं इसमें, यदि उस पर आपके क्लोज एलिमेंट में फंक्शन की बात की जाए तो एडवर्बियल्स जो है वो किसका जो वो किसके फंक्शन में है, वो आपके ऑप्शनल फंक्शन में होते हैं, जिसको आप ग्रामेटिकली लैंग्वेज में सेग्रेगेटरी एलिमेंट भी बोलते हो। मैंने आपको एडवर्बियल्स के लिए बताया था कि एडवर्बियल्स जो है वो सेग्रेगेटरी माने जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेंटेंस से, यानी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है, माने ये क्लोजली इंटीग्रेटेड नहीं बल्कि ऑप्शनल एलिमेंट के रूप में रहते हैं। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, एडवर्ब्स आर क्लोजली इंटीग्रेटेड इनटू क्लोज स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट एडवर्बियल्स के लिए बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एडवर्बियल्स। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कंसल्ट करना, आप कहीं कोई दिक्कत हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, माने इस फोर स्टेटमेंट देखे और आपको एग्जामिनर ने पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने देखें फिर क्वेश्चन नंबर, हमारा जो आंसर है फिफ्थ का, नाउन फ्रेजेस एडवर्ब फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जामिनर से पूछ रहा है फोर स्टेटमेंट देखे फ्रेज लेवल पे जो क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है फ्रेजेस के बारे में वो कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल अच्छे से सिंपल सा क्वेश्चन है, नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस एडवर्ब फ्रेजेस, माने नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस जो है हैव माने रखते हैं द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लें। माने अगर हम बात करें नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के बेसिक आपके बेसिक स्ट्रक्चर की, तो देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस अमंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस, एंड दिस वन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी easy question, that's why we
वी हैव टू लर्न इट एट एनी कॉस्ट ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेंटेंस एडवर्बियल्स एक्सप्रेस. माने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसको बेहतरीन क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूँ. देखिए आप इसमें कि सेंटेंस एडवर्ब जो है, अब इसमें एक बात है कि जैसे सेंटेंस एडवर्बियल, अगर किसी को पता नहीं कि सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, अब वो अगर सेंटेंस एडवर्ब, देखो अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं पता है तो आप इसमें नई चीज के बारे में ज्यादा उलझो मत, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसलिए आप एक चीज देख लें, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर है सेंटेंस एडवर्बियल एक्सप्रेस, यानी जो आपका कोई क्लोज है या कोई सेंटेंस है उसमें सेंटेंस एडवर्ब जो है वो किसका फंक्शन करता है, या सेंटेंस एडवर्बियल किस प्रकार किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं. तो सेंटेंस एडवर्बियल्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं एटीट्यूड एंड कनेक्शन को. और ये इसमें सेंटेंस एडवर्बियल मैंने आपको मेरा जो नाउन एंड फ्रेज ड्यूल वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके एमएचएम के सेशन है वहां अच्छे से क्लियर कर रखा है. तो अगर आपको ज्यादा इसकी लॉन्ग डिटेल में स्टडी करनी है तो एमएचएम वाले या एमएचक्यू वाले सेशन में आप अच्छे से इसको कंफर्म कर लेना. और अगर नहीं पढ़ रखा है तो नई चीज के बारे में डिस्कस मत करना. आप सिंपल सा क्वेश्चन देख लें, सेंटेंस एडवर्ब जो है वो सेंटेंस एडवर्ब से जो सेंटेंस एडवर्बियल बना है वो क्या किस चीज को एक्सप्रेस करता है, एटीट्यूड एंड कनेक्शन को एक्सप्रेस करता है. बिल्कुल अच्छे से देख लेना. और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 7 या 8 या 7 नंबर तक आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से डिस्कस करने पड़े. नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, ही पेंटेड द डोर व्हाइट. और बहुत ही वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही मानेंगे इसको. अंडरलाइन जो वर्ड है यहाँ व्हाइट, और एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे कि यहाँ व्हाइट जो है वो फ्रेज लेवल पे क्या है. तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज चार ऑप्शन दिए थे. और बहुत ही सिंपल है, व्हाइट क्या है, व्हाइट है इसका आप 820 में सेंटेंस इसकी इस वर्ड की कैटेगरी देखो तो व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव. और जैसे कि बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि व्हाइट की पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैटेगरी है एडजेक्टिव, तो ये फ्रेज लेवल पे किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज का. बिल्कुल सिंपल है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. या यदि नाउन होता तो नाउन फ्रेज होता, वर्ब होता तो वर्ब फ्रेज हो जाता, एडवर्ब होता तो एडवर्ब फ्रेज हो जाता. तो ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें इसमें. और थोड़ी थोड़ी अगर आपने स्टडी कर रखी है तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली है. और मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चंस में से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे. 2 क्वेश्चंस आपको इनमें से देखने को पक्का मिलेंगे, देखना आप अच्छे से. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी जो मैंने अपनी तरफ से 3 क्वेश्चन आपको ऐड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10th, तो इसमें देखें आप ट्रू एंड फॉल्स. अब एक चीज, आप मैंने ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन रखा है जो कि आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उस कैटेगरी का एक क्वेश्चन है. देखिए इसमें द नेम ऑफ अ फ्रेज इज बेस्ड ऑन द हेड वर्ड. माने किसी भी जो फ्रेज है कोई भी, उस फ्रेज का जो नेम है, उस फ्रेज का जो नेम मीन्स टाइटल, उस फ्रेज का जो टाइटल है वो किस पे बेस्ड होता है. द नेम और यू कैन से द टाइटल ऑफ अ फ्रेज इज बेस्ड ऑन द हेड वर्ड. माने किसी भी फ्रेज का टाइटल जो है वो हम डिसाइड करेंगे उसके हेड वर्ड के अकॉर्डिंग. तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, अच्छे से देख लें. और इसमें सेकंड स्टेटमेंट आप देखें, हेड वर्ड इज ऑब्लिगेटरी बट मॉडिफायर्स आर सेग्रेगेटरी. यानी अगर बात की जाए हेड वर्ड की तो किसी भी सेंटेंस और क्लोज में हेड वर्ड जो है वो क्या है, ऑब्लिगेटरी एलिमेंट. ऑब्लिगेटरी माने कंपल्सरी और मैंडेटरी एलिमेंट. बट मॉडिफायर्स आर सेग्रेगेटरी, यानी मॉडिफायर्स को आप सेग्रेगेटरी एलिमेंट मान सकते हो. माने मॉडिफायर्स को रिप्लेस करने पर भी, यानी मॉडिफायर्स को सेंटेंस और क्लोज में से सेपरेट करने पे भी आपके जो हेडवर्ड है उस हेडवर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसके मॉडिफिकेशन में थोड़ा फर्क पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि हेडवर्ड जो है उसको अपना एग्जिस्टेंस माने अपना अस्तित्व रखने के लिए आपके मॉडिफायर्स की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है. हेडवर्ड जो है वो विदाउट मॉडिफायर्स भी अपना एग्जिस्टेंस अपना अस्तित्व रखता है, बल्कि और जबकि जो मॉडिफायर्स है वो अपना एग्जिस्टेंस माने अपना अस्तित्व रखने के लिए डिपेंड रहते हैं किस पे, हेडवर्ड पे. माने जैसे एक सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडिफायर्स विदाउट द हेडवर्ड, व्हाइल हेडवर्ड कंटेन्स इट्स यू कैन से इट्स एग्जिस्टेंस विदाउट द मॉडिफायर्स ऑल्सो. माने हेडवर्ड जो है वो बगैर मॉडिफायर्स के भी अपना एग्जिस्टेंस रख सकता है, जबकि मॉडिफायर्स अपने एग्जिस्टेंस को रखने के लिए हेडवर्ड पे डिपेंड होते हैं. यानी देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो आपका स्टेटमेंट बना हेडवर्ड इज ऑब्लिगेटरी, यानी जो हेडवर्ड है वो ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी और कंपल्सरी एलिमेंट है,
जबकि मॉडिफायर सेग्रेगेटरी माने ऑप्शनल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप देख लेना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, विच वन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जो भी हमारे विद्वान साथी हमारे जो भी व्यूवर्स हैं वो इसको हमारे इसी सेशन को देख रहे हैं, तो आप लोग बताएं देखें कि विच वन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेज, यानी विच फ्रेज इज नोन एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेज। नाउन फ्रेज को, वर्ब फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को और एडजेक्टिव फ्रेज को, इन चारों में से किस फ्रेज को कॉम्प्लेक्स फ्रेज के रूप में माना जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज नोन एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेज अमंग दीज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। वर्ब फ्रेज इज ऑल्सो नोन एज पिवोटल और यू कैन से सेंट्रल फ्रेज। अगर यदि बात की जाए फ्रेज लेवल पे तो वर्ब फ्रेज को पिवोटल और सेंट्रल फ्रेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने डिस्कशन जो है वो कि आपके 7 क्वेश्चंस का जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चंस का जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं, और इन 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे या इनसे रिलेटेड। तो इस प्रकार से एक सेशन आप अच्छे से तैयार कर ले, और मेरा प्रयास है बिल्कुल शॉर्ट सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि मैंने अब आप लोगों के लिए इसके 5 to 10 जो है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके जस्ट अगले सेशन में, और संडे से पहले पहले हम लोग 2 सेशन और लेकर आ जाएंगे जिसमें आपका 30 क्वेश्चन के 2 सेशन रहेंगे आपके टीचिंग मेथड्स के, और आपका 2 और 3 सेशन रहेंगे मूवमेंट के। मूवमेंट के भी वन लाइनर और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, तो आप लोगों के बिल्कुल क्योंकि समय बहुत ही कम है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लास्ट सेशन रहेंगे। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्लानिंग पे डिस्कस करेंगे आफ्टर योर एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हमने तैयार किए वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और फिर भी जितना भी समय रिमेनिंग टाइम है आप लोगों के पास किसी भी विद्वान साथी के या किसी भी विद्यार्थी के बारे में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस करें। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद जय भारत।